अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान आप सबको बहुत मुबारक हो। इस मुबारक महीने के सदक़े हम सबकी जायज़ मुरादें भी पूरी कर दे अल्लाह पाक, और इस वबा को भी जो है ख़त्म कर दे इंशाल्लाह, आमीन। तो जनाब, ये वाला लुक जो है मैं क्रिएट करने लगी हूँ। जिसको देखना है वो मेरे साथ रहे, और जिसको नहीं देखना वो जा सकता है। सो सबसे पहले जो है मैंने अपने स्किन को साफ़ कर लिया था। आजकल स्किन थोड़ी ख़राब हो रही है, वो वजह ये है कि खाना पीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से जो है स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। क्योंकि पकौड़े शकौड़े हम रमज़ान से पहले ही शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है आप सबको पता है फरसाली का सिरम जब तक मैं ख़त्म नहीं कर दूँगी तब तक आपको वही दिखा दिखा के जो है मुझे दिखाते रहना है, और जब तक वो ख़त्म हो तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा ना, देखो कितना सारा चल जाता है वो। तो यहाँ पर जो है जनाब मैंने जो है सब कुछ आँखों का काम जो है आज मैंने ऑफ़ कैमरा कर दिया था, और उसके बाद जो बेस वेस लगा के प्राइमर शराइमर सारे कुछ कर करा के मैं आ गई हूँ। जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बनानी मैंने, वीडियो बनानी है छोटी, मगर फिर भी जो है हो गई है लंबी, 5 मिनट से आगे निकल गई है। इतना फास्ट फॉरवर्ड करो फिर भी जो है बहुत लंबी बन जाती है। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वाले जो कंसीलर प्लस आते हैं हाइलाइटर, तो ये जो है ना किसी काम के नहीं होते। यहाँ पर देखें, एक तो लग नहीं रहा है, दूसरी बात ये कि जो मैंने कलर लगाया हुआ था करेक्टर का वो सारा इस पर चिपक गया है। अब बताओ तो ऐसा कोई होता है। ये है ना असली वाला कंसीलर, ये इतना मज़े का है ना कि क्या बताऊँ। मिस रोज़ का जो है ना बड़ा ही मस्त बड़ा मज़ेदार कंसीलर है, और मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छे से जो है फिक्स हो जाता है, और नो क्रीज नो पसीन। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है ना आज मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही हूँ, आइस ओवर करते हुए। पता नहीं रमज़ान की खुशी है, पता नहीं क्या है, बट मैं खुश हूँ बहुत आज। सो अच्छा, यहाँ पर ये वाला आज मैंने जो है फेस पाउडर चेंज लगा रही हूँ, ये क्लिनिक का लगा रही हूँ। इसको देखेंगे ट्राई करेंगे, मगर मैं ट्राई कर चुकी हूँ ना, मतलब मैं तो वॉइस ओवर अब कर रही हूँ। ये मेकअप तो मैंने बहुत टाइम पहले किया था, तो ये वाला जो फेस पाउडर है इसको मैंने पास कर दिया है। ये बड़े मज़े का था, और इससे कोई भी जो है क्रीज वीज नहीं हुई, उससे अंदर शाइनिंग बहुत थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा फेस आज चमकेगा। सो वाकई में चमक पड़ा था फेस, मेरा फेस। अच्छा यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ, अच्छा आज दो कलर के साथ हम खेलेंगे, पिंक और ऑरेंज, तो हम दोनों को लगाएंगे इस तरह कुछ के आपने देखा है कि आपने कोई भी कलर जो अब क्रीज पे जो है ब्लेंड करना है ना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आज मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया, सिर्फ मैं दो कलर्स के साथ जो है अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसको। तो मुझे जो पिंक मैंने लगाया है मुझे उसी को ब्लेंड करना है। तो हमने क्या करना है, पहले सारा का सारा प्रोडक्ट अपनी कॉर्नर पर फेंक देना है, उसके बाद अच्छे से उसको ब्लेंड करना है साइडों पर से, बीच पर से नहीं, साइड साइड उसकी ब्लेंड करते जानी है, ताकि वो थोड़ा सा फैल जाए। फैल जाएगा तो खुद ही जो है वो ब्लेंडेड लगेगा। इसके बाद हम लोग ऑरेंज कलर लगाएंगे अपनी इनर कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर पे अच्छे से जो है लगा देंगे। तो इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देख रहे हो किस तरह से मैं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही लगाते रहना, ब्लेंड करते रहना करते रहना, तो फिर ये काम हमारा हो जाएगा। अब ये देखो आप, ये वाला लुक भी अच्छा लग रहा है ऑरेंज के साथ, और वो वाला भी लुक अच्छा लग रहा है जो आँख दूसरी लग रही है, पिंक प्लस वाइट, वो वाला भी किसी दिन हम लोग करेंगे, और वो भी खूबसूरत सा लग रहा है बड़ा। मुझे तो दोनों आँखें अपनी बड़ी अच्छी मज़ेदार लग रही हैं। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, और छोरीपन बंद करती हूँ मैं, छोरापन बंद करती हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर येलो कलर के साथ इसको थोड़ा ओवरऑल ब्लेंड करना है मुझे, यहाँ से जो है इस तरफ एक साइड मैंने कर दी थी ब्लेंड, और दूसरी साइड को अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ जो ऑरेंज कलर के साथ अगर येलो मिला दो तो एक बहुत ही जो है अच्छा खूबसूरत सा लुक आ जाता है, सनसेट टाइप बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अब ये 3D हाइलाइटर जो है हम यूज़ करने लगे हैं अपनी आँखों के बल्ब जलाने के लिए। बल्ब जलाएंगे तो हमारी आँखें जो है और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, तो बड़ा मज़ा आएगा आँखों के अंदर। ये तो बात सही है, जितना मेकअप थोपोगे जितना मेकअप डालोगे आँखों के अंदर उतनी आँखों में जान आती जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं वही जो है सेम चीज़ नीचे करूँगी, पिंक कलर का जो है हम लगाएंगे नीचे। अच्छा जो पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, प्लीज़ मैं ऐसी ओवर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी बंदी हूँ, सीरियस बंदी हूँ। पता नहीं मुझे आज कोई करंट शरंट लगा है, पता नहीं क्या चक्कर है मेरे दिमाग पे जो है बड़ी कोई, मतलब पता नहीं किस चीज़ की खुशी है मुझे आज, पता नहीं क्यों मैं ओवर हो रही हूँ, नहीं समझ आ रहा। अच्छा छड़ो मेरे को छड़ो। अच्छा यहाँ पर जो है लाइनर लगा रही हूँ, और काजल भी लगा दिया है मैंने, आपने देखा था लोअर लेश लाइन पे मैंने सेम दो वही कलर, और लो लो गिर गया ओ हो
ये गिर गया ना, अब बस मैंने छोड़ दिया आधे में, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने ऑफ़ कैमरा ही कर दिया सारा काम। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ ये ग्लिटरी लाइनर, थोड़ा सा लुक अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, आजकल जो आप लोगों को पता छता है ना, ट्रेंड चल रहा है, ये रश डोंट रश चैलेंज चल रहा है, तो इसके लिए हम जो है तैयार हो रहे थे, तैयार हो गई, तो मैं इसीलिए इसी के लिए थोड़ा अच्छा लुक क्रिएट किया मैंने आज। अच्छा, तो जनाब आप लोगों ने देखा, लैशेस मस्कारे वस्कारे के साथ ये लुक फिनिश कर लिया है मैंने, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मैं, बस क्या बताऊँ। तो बस जो देख रहे हो वो लाइक कर दो जल्दी से, सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाओ भाई, रुको नहीं, कर दो करो, और मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। टेक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।